ये बताइए कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नमाज हाँ कभी कभार पढ़ता हूँ मैं। नमाज आप पढ़ते हैं? दुआ बोल रहे हैं, नमाज बोल रहे हैं? नमाज नमाज में शुरुआत में आप क्या पढ़ते हैं? आप तकबीर करके फिर एक सेकेंड, आम एक्चुअली मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, एक्चुअली 4 बजे बट आई टेल यू फटाफट बता देता हूँ मैं जी आपको। जी बोलिए। हाँ जो आपका तकबीर होती है, पर आप फातिहा पढ़ते हैं अगर जैसे दो गलत है, रकत की है फातिहा फॉर नहीं पढ़ते। एग्जांपल। तकबीर के बाद फातिहा नहीं पढ़ते, हाँ उससे पहले कुछ और पढ़ते हैं। तकबीर के बाद क्या वो पढ़ते हैं? आप उस तकबीर के बाद जो क्या बांधते हैं जो क्या कहते हैं उसका अल्फाज जो पढ़ लीजिए, अल्फाज पढ़ लीजिए अगर आपको जो आप नहीं वो नहीं, आप वो जो करते हैं जो नियत होती है आपकी, है। नियत के बाद क्या करते हैं? नियत के बाद आप नियत की, मैंने फिर तकबीर, नियत तकबीर, फिर फातिहा पढ़ी। फातिहा के बाद नहीं, आपने फातिहा नहीं पढ़ते, फातिहा नहीं पढ़ते मेरे भाई। ये मैंने भेज दिया। दूसरा, ये हाँ जो आप जो शॉर्ट में ओके बात आपकी जो हाँ बोली ना, तो नॉर्दर्न एरियाज वाला मुझे पता है, नासिर खुसरो शहरिस्तानी की तालीमात पे चलते हैं। आपके इंडिया में जो खोजे रहते हैं वो पीर सदरुद्दीन और पीर शम्स की तालीमात पे चलते हैं। कराची वाले जो है वो दोनों जगह का मानते हैं, उनके अंदर दोनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अच्छा, इंडिया की जमात जो है वो गरबा डांडिया सब कुछ करती है, नॉर्दर्न वाले नहीं करते। नॉर्दर्न वाले चराग रोशन चलाते हैं, बीच में आग, जैसे हिंदुओं की तरह आग। वो मेरे पास वीडियो पड़ी है, वो मैं भेज देती हूँ। 14 मिनट आपके पास चिराग रोशन है। के नॉर्दर्न, एक सेकंड, चराग नॉर्दर्न एज वाले आग आग को पूछते हैं। रोशन आपको पता है, चराग रोशन की रस्म? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस नॉर हैव ओके, आई एवर सीन दिस। रीजन मेरे रीजन इतने नॉर्दर्न एरिया के दोस्त बता हैं, दे देती हूँ, नेवर डू एनी ऑफ दिस। रीजन बता देती हूँ, रीजन बता देती हूँ आपको। इसलिए नहीं पता कि आपने जो एक क्लेम किया ना कि हमारे इमाम हमें गाइड करते हैं और इसी वजह से हम लोग मुत्तहिद हैं, रीयूनाइट हैं। आप लोग रीयूनाइट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके इमाम नमाज पढ़ते हैं या दुआ पढ़ते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके इमाम हज पे क्यों नहीं जाते। आपको ये नहीं पता कि आपके इमाम जो है वो रमजान के महीने में लंच क्यों रखवाते हैं। फ्राइडे वाले दिन जब जुम्मा नमाज होती है तो उस वक्त आपके इमाम के जो डर्बी के वहां पे घोड़े की रेस होती है, वहां पे वाइन और शैंपेन की हाफ बॉटल इनाम में क्यों दी जाती है। ये सब चीजें नहीं पता आपको क्योंकि कभी इमाम खुद पीते हैं, और इज ही जस्ट डूइंग दैट लोगों के साथ रिलेशन रखने के लिए, लाइक रिलेशन रखने ही के लिए। व्हाई इज ही एग्जैक्टली, सो व्हाई इज ही सो गुड विद द वर्ल्ड एंड व्हाई इज ही सीन एज सो मुझे प्रोग्रेसिव, व्हाई इज ये ही बताइए कि व्हाई आर हिज बॉडीज मौला नॉट अली के, फेलिंग। एक सेकंड, मौला अली का एक हदीस है, मौला अली के फरमाया था कि मेरा घोड़ा अगर ऐसी ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर शराब गिरी थी और शराब से घास उगी थी और वहां से मेरा घोड़ा चरेगा तो मैं अपने घोड़े को कत्ल कर दूंगा, मैं वहां से उसको खाने नहीं दूंगा। शराब से आपकी इतनी बड़ी हुरमत थी, जब अगर कारोबार ही करना था तो मदीने की गलियों में ड्रम के ड्रम क्यों उंडेले गए थे, क्यों फेंक दिए गए थे? अभी तक हिस्ट्री में मौजूद है कि जब हुक्म आया कि शराब का कारोबार, पीना, लेना देना सब हराम हो गया तो सहाबा कराम ने शराब शराब के ड्रम इतने उंडेल दिए कि मदीने की गलियां शराब से भर गई थी। तो उनको समझ नहीं आया था कि ये कारोबार हम कर सकते हैं। या हम किसी के साथ, वहां पे यहूदी आते थे, दूसरे मुशरिक आते थे, दूसरे लबनान और दूसरे यूनान के लोग आते थे, उनके साथ रख लेते, उनको पिला लेते, तो वहां पे तो ये चीज नहीं चली ना। अब इतने सालों के बाद एक शख्स कहता है कि मैं हूं तो अहले बैत, मेरे अंदर नूर तो अल्लाह का है, लेकिन मैं शराब भी बेचूंगा, मैं सुअर का गोश्त भी बेचूंगा, मैं डर्बी में घोड़े भी दौड़ाऊंगा, मैं सूद का कारोबार भी करूंगा, और उसके बाद मैं नमाज को दुआ में तब्दील करूंगा, रोजा मैं खत्म करवा दूंगा, हज को मैं मंसूख करके दीदार करवा रोजा, दूंगा। हाँ दीज आर ऑल थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट। रोजा कब खत्म किया है इस्माइलियों ने, लाइक टेल मी। रखने को कब बोला मुझे ये बताइए, रखने को कब बोला? रोजे रखने का तो लाइक आई कैन रिमेम्बर दिस, और अगर आप ये कहते हैं कि रोजा ना रखने की अगर बात है, बिकॉज़ आई नो सो मेनी पीपल, मेरे घर में लोग रोजा रखते हैं, आपको पता है माय ब्रदर फास्ट ऑल 30 डेज। आज आज मैं ये मेरे बात सुन जो ली, बात सुन इतने लो, बात सुन लो खिजर, मैं भी जब इस्माइली थी ना तो मैं रखती थी। और रीजन क्या होता था, दो चार रीजन। सबसे पहले तो इमाम का खुद का फरमान, सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, उन्होंने फरमाया है कि तुम जो है वो रमजान में रोजे अगर मुसलमानों के बीच में हो तो तुम तकिया करोगे। मैं फरमान भेज देती हूँ, इस्माइली नोसिस पे पड़ा हुआ है, इस्माइली.net पे पड़ा हुआ है। तुम तकिया करोगे ताकि तुम्हारे पीछे तुम्हारी बैक बाइटिंग ना हो,
लेकिन याद रखो कि तुम हकीकी मोमिन हो, तुम पर शरीयत की पाबंदियां हैं, तुम क्या करोगे, तुम 365 डेज का रोजा रखोगे। और ये जो तालका है ना, ये पढ़ा जाता है रमजान में, सुल्तान मोहम्मद आरफ खान ने कहा तुम्हारे लिए 363 दिन का रोजा है जिसमें तुम बुरा नहीं बोलोगे, बुरा नहीं कहोगे, बुरा नहीं देखोगे, किसी को झूठ नहीं बोलोगे, किसी को दुख नहीं दोगे। 363 दिन का तुम्हारा रोजा है। So for the 360 days, it is again, it's not literal, it's very contextual. Okay, you like you need to be good to people throughout the year and not just for that one Ramzan ka mahina. हाँ, तो इसको रमजान में ये कहने की क्या जरूरत है कि तुम लोग जो है तुम्हारे लिए ये रोजा नहीं है, तुम्हारे लिए तुम हकीकती मोमिन हो, तुम्हारे लिए ये रोजे नहीं होते, भेजो मैं भेजती हूँ तुमको। It's elaborating, हाँ, आप भेज दें, it's elaborating on the fact that you should be good to people throughout the year. It doesn't mean that you should stop fasting. जमात खाने में अभी जो आप दुआ पढ़ने जा रहे हो मगरिब की, वो कितने बजे हो रही है, रोजे कितने बजे खोल रहे हो आप? It's a fixed timing. हमेशा कोई 11:30, 7:30 जो भी होता है वो होता है. फिक्स टाइम होता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ मगरिब का जो रोजा जो खुलने का हुक्म है कुरान में, वो तो साफ क्लियर है कि सुबह की सफेद धारी आसमान पर जब रात की धारी को खत्म कर दे तो तुम खाना पीना रोक लोगे। इसी तरह हमारे यहाँ मगरिब का भी ये है कि मगरिब में जो है वो आपकी असर जो है वो मगरिब रात जो है वो दिन से मिल रहा होगा, और उसकी भी पहचान है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रखा। अब आपका थ्रू आउट द ईयर ना फजर का टाइम चेंज होता है ना आपका मगरिब का टाइम चेंज होता है, तो फिर आपके रोजे कैसे हुए? मगर पता होता रहता है, इट्स ऑलवेज लाइक दे कीप इट वेरी स्पेसिफिक बिकॉज एज यू नो, जैसे रोज एक दो मिनट आगे पीछे होता रहता है, राइट? मगर का टाइम रोज कैसा होता है, कभी 7:23, 7:46, लाइक अगर आपको पूरी कम्युनिटी को एक साथ ले चलना है, अगर 2 मिनट का पीछे कर दिया या 2 मिनट, आपको इतना इतना तो पता ही होगा कि 7:30 होता है या 15 मिनट के ड्यूरेशन पे बढ़ाते हैं, कम करते हैं, राइट? नहीं तो मुझे ये बताया कि जब सुबह के टाइम आप लोग जमा होते हैं तो उस वक्त तो ना आपका सहरी होती है, आपका सहरी का टाइम भी नहीं मैच हो रहा होता, फजर उठ आ चुकी होती है, आप लोग उस वक्त जो है वो आबे शिफा और न्याज पी रहे होते हो, तो रोजा तो आपका हुआ नहीं क्योंकि आपने तो सुबह होने के बाद वो न्याज पी रहे होते हो, तो रोजा तो मकरूह हो गया, तो खत्म हो गया। हम जब रोजा रखते थे तो हम आबे शरबत पी के जाते थे जमात खाने, क्या करके जाते थे? हम आबे शरबत पी के जब सहरी का टाइम होता था हमारा, जब 4:30 बजे की सहरी हो रही है हाँ तो हम आबे शरबत पी के रोजा हमने रख लिया, सहरी की दुआ पढ़ ली और फिर घर और फिर जमात खाने चले गए, वहां दुआ पढ़ ली हमने. फिर नमाज कब पढ़ी? दैट्स हाउ वी यूज्ड टू डू इट. नहीं, नमाज कब पढ़ी फिर? नमाज कब पढ़ी हाँ, या तो आप मतलब जमात, सहरी के देखो बाद या नमाज. तो देखो ना, जब सहरी कर ली और जमात खाने चले गए तो फिर फजर कब पढ़ी? फजर पढ़नी है, फजर उससे पहले पढ़ लें. अपने भाई फजर का टाइम फिक्स होता है ना। सहरी के बाद आपने, हाँ, तो सहरी के बाद आपने नमाज पढ़ ली, फिर अजवान खान चले गए, वहां पर आपने आबे शरबत नहीं पिया, बात खत्म. आपकी जो सहरी जो हो रही है वो फजर के बाद हो रही है मेरे भाई, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग जब जमात खाने अच्छा, पहुंच अगर रहे हो। सहरी बाद में हो रही तो व्हाट वुड आई डू? नहीं, आपने कहा ना, आपने कहा कि आप रोजा रख के वहां आपने आबे शरबत पिया फजर के टाइम, जो 5:20 पे जो दुआ होती है, तो आपका रोजा मकरू हो गया, दैट्स व्हाट यू सेड. तो मैंने आपके कहा रोजा तो आप में आबे शरबत पहले पढ़ लो और फिर वहां जमा खाने चले जाओ. ये तो मैं तो अच्छा, आपकी बात का जवाब दे रहा था. नहीं, ये तो आप ऐसा कर रहे जैसे वो किसी को ना ट्रिक करने की कोशिश। पता मुझे सारा है, कोई भी इस्माइली आबे शफा पी कर नहीं निकलता, वो जमात खाने में पीता है। जब पीता है तो उस हम तो वक्त पहले पीते आपकी थे. बात आपकी, आप पता नहीं आप कौन से इलाके से, मैं भी कराची से हूँ, आप जब जमात खाने पहुंचते हैं तब तक फजर का टाइम निकल चुका होता है, उस वक्त आप जब दुआ पढ़ने के बाद आबे न्याज पीते हैं, आबे शफा पी लेते हैं, तब आपका रोजा आप लोग रखो ना रखो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फजर का टाइम गुजर चुका। अब आप उस टाइम पे आ गए कि आपका वह 1 मिनट भी ऊपर हुआ और आपने कुछ खा लिया या पी लिया, तो आप रोजे की हालत में नहीं हो। अब आप इसको जो नहीं, मर्जी, आपने, या तो मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा. आपने कहा था कि अगर आप पहले रोजा रख के फिर जाओगे 5:20 पे, आपने दुआ पढ़ ली, फिर जो आबे शफा होता है 5:20 के बाद 5:30 बजे जो, तो वो आप पियोगे तो आपका रोजा मकरू हो जाएगा. आपने ये कहा था मुझे, तो मैं उसका मैं जवाब दे रहा था आपको आपको. टाइमिंग का बता रही हूँ कि आपकी जो टाइमिंग है जमात खाने में सुबह फजर की, वो उस टाइम पर है जिस टाइम पे फजर हमारी हो चुकी होती है और हम रोजे रख चुके होते हैं, अब हमने खाना पीना रोक हाँ. लिया होता है। आप लोग क्या करते हैं जब जमात खाने जाते हैं, तो जमात खाने में दुआ पढ़ने के लिए प्याज पीते हैं कि नहीं पीते?
न्यास पीते हैं, अगर अगर रमजान नहीं होती तो न्यास पीते हैं। मैं तो के सामने ऐसी बात कर सकते हो, मेरे साथ नहीं कर सकते। दुआ के बाद न्यास नहीं करो, नहीं आप आई लोगों डोंट को माइंड, आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू दैट आफ्टर आफ्टर ऑफरिंग योर दुआ, उसके बाद आप लोगों को आके मुखी न्यास पिलाते हैं, उसके बगैर आप जमात खाने से मुखी बाहर आके न्यास नहीं नहीं पिलाता, पहली बात। लाइक निकलते। इट्स बिल्कुल, द कोई भी पिलाता है, या आप लेते हो या आप उठाते हो या प्याला उठा लेते हो, लेकिन आप लोगों को दुआ के बाद पीना मस्ट होता है। ऐसी कोई तरतीब नहीं है कि दुआ के बाद न्याज ना मिले, ये गलत बात है, आप ये कह ही नहीं इट्स नॉट अ सकते। मस्ट। मेरे मेरे अब्बू जाते थे एंड ही डिड नॉट यूज द वो, आप सब नहीं पीते चले खजर भाई, मुझे ये बताइए कि आप नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? थे। नमाज हाँ कभी कभार पढ़ता हूँ मैं। नमाज आप पढ़ते हैं? दुआ बोल रहे हैं, नमाज बोल रहे हैं? नमाज नमाज में शुरुआत में आप क्या पढ़ते हैं? आप तकबीर करके, फिर एक सेकेंड, आई एक्चुअली मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, एक्चुअली 4 बजे, बट आई टेल यू आपकी फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। जी जी बोलिए। हाँ, जो आपका तकबीर होती है, फिर आप फातिहा पढ़ते हैं, अगर जैसे दो गलत है, रकत की है फातिहा फॉर नहीं पढ़ते, एग्जाम्पल। तकबीर के बाद फातिहा नहीं पढ़ते, हाँ उससे पहले कुछ और पढ़ते हैं। तकबीर के बाद क्या वो पढ़ते हैं? आप उस तकबीर के बाद जो क्या बांधते हैं, जो क्या कहते हैं उसका, अल्फाज जो पढ़ लीजिए, अल्फाज पढ़ लीजिए अगर आप जो आप बंगाली वो नहीं नहीं आप वो जो करते हैं, जो नियत होती है आपकी, हो। नियत के बाद क्या करते हैं? नियत के बाद आप नियत की, मैंने फिर तकबीर, नियत, तकबीर, फिर फातिहा पढ़ी। फातिहा के बाद नहीं, आपने फातिहा नहीं पढ़ते, फातिहा नहीं पढ़ते मेरे भाई। तो ये आपको हाँ पता नहीं था? आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, बट ये मैं अगर ये जो पढ़ता हूँ, बट ऑल्सो इट्स बिन अ फ्यू इयर्स सिंस आई प्रेड, आप नमाज इट्स नहीं बिन अ पढ़े फ्यू इयर्स सिंस आई इट्स बिन सालों अ से फ्यू नमाज इयर्स नहीं सिंस पढ़े? आई हाँ, लाइक आई टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ठीक है, आई आपको डोंट प्रे क्या एज है ना, मच, अच्छा मैं अब आयशा चाहे के बारे इस्माइली में। हो, खजर एक सेकंड, चाहे इस्माइली हो या वो हो। खजर देखिए, अभी आपके पास मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं जस्ट इस बात को रैप अप करना चाहती हूँ, और आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं इस बात तक बात खत्म करूंगी कि पहली बात ये कि कलमा शहादत जो बुनियाद होती है वो, उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके कलमा शहादत में आपने किस तरह की एडिशन की है। सेकेंडली, आप लोगों का जो है वो रमजान के जो रोजे हैं, अगर आप कहते हो कि आपकी आपकी इस्माइली मजहब में है, तो आप मुझे इस्माइली मजहब की कोई एक भी किताब, हाजिर इमाम का फरमान या कोई तालिका या ऐसा कोई, जैसे हमारे यहाँ सहरी के कार्ड बटते हैं, हमारे यहाँ जो है वो इफ्तार की दुआ की कैलेंडर्स बटते हैं, आप मुझे एक भी बता दें कि आपके इस्माइलिया एसोसिएशन ने या आपके इमाम ने कभी भी आप लोगों को रखने के लिए या उसके सहर और इफ्तार के टाइमिंग आपको दिए हो, या उसकी जो है वो इस तरह का कोई अनाउंसमेंट हो? कभी नहीं होती है। जो भी रखता है वो अपनी मर्जी से रखता है, फर्ज समझ के नहीं रखता, वो नफल समझ के रखता है, आपके यहाँ इसकी फर्जियत नहीं है। तीसरा, आप नमाज नहीं मानते, क्योंकि जिस वक्त आप नमाज कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त ही जमात खाने में आपकी दुआ हो रही होती है। असर और मगरिब आप लोगों की फिक्स टाइम पे होती है, जबकि नमाज के टाइमिंग जो है उसका भी डिपेंड करता है सूरज की, इतना इतना फर्क है कि अगर जरा सा भी डे लाइट में डिफरेंस आ जाए तो आपकी नमाजें मकरूह हो जाती हैं, कजा हो जाती हैं। आप लोगों का ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता, आप सारा साल नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अब अगर ईद की अभी नमाज होगी तो आप लोग जमात खाने के बाहर आके आप लोग अपने तरीके से आपकी जो नमाज होती है रुकू के तरह तरह से, तो आप लोग जब जमा होते हैं और लोगों को दिखाना होता है तो आप लोगों की जो नमाज है वो आप ईद नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, वरना सारा साल आपके जमात खानों में नमाज नहीं होती है। आपके इमाम ने कभी हज नहीं किया, आपके इमाम ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, आपके इमाम ने कभी दुआ नहीं पढ़ी, आपके इमाम ने कभी रोजा नहीं रखा, आपके इमाम ने कभी भी आप लोगों को ये गाइड नहीं किया कि नमाज किस तरह पढ़नी है, रोजा किस तरह रखना है। वो गाइड किस तरह हो सकता है कि जिसको जिसकी जमात हर कोई अपने अपने तरीके से कुछ कर रही होती है? तो यू वर टॉकिंग अबाउट दी इमाम नॉट नॉट डूइंग हज और हज या जो भी रोजा रखना है समथिंग। इमाम के, क्योंकि वो मैं कंक्लूड कर रही थी, लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल्स पर ही रहे तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर सकते हैं। जैसे अभी मेरी भी बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं रोजा भी रखता हूँ, ठीक है रखते होंगे, वो आप अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे हम किसी हम जी ठीक है। अभी जी जो है जब आप रमजान के रोजे रखते हैं तो आपके घर वाले भी रखते हैं? हाँ, आजकल मैं नहीं रख रहा, बट मेरी अम्मी लाइक शी स्टिल फास्ट मोर देन आई डू। मोर देन मतलब खैर मैं कितना? तो
it's been a few years since I've done anything. Even it's my dobi parna, it's been a few years. It's been a few years since I've done anything. Even it's my dobi parna, it's been a few years. तो जमात खाने मेरे आपने भाई हैं कहा, वो रखते हैं आपने कहा कि आप जमात खाने जाते हैं ऑफ एंड ऑन, अभी कहा था थोड़ी देर पहले कभी कभार। हाँ जा रहे हैं हाँ ना, हाँ कभी कभार। फ्यू इयर्स क्यों बोल रहे हैं आप, बोलो ऑफ एंड ऑन जाता हूँ। नहीं तो दुआ, मैं दुआ पढ़ने की बात कर रहा हूँ ना, कि इट्स बिन अ फ्यू इयर्स सिंस आई हैव इवन डन एनीथिंग रिमोटली। कभी मैं देर से चला गया जमात खाना है, कभी गया तो दुआ पढ़ ली। इट्स वेरी स्पोरैडिक जिसे कहते नहीं हैं। मतलब सालों साल हो गए गए वे, या अभी भी आप ऑफ एंड ऑन जाते हैं, अभी की बात कर रहे हो? ऑफ एंड ऑन जाता हूँ, बट आई ऑफ एंड ऑन हाँ जाता हूँ तो बट फिर ईयर्स मत आई लगाओ डोंट ना लाइक। मेरे भाई, फिर ईयर्स मत लगाओ ना, फिर ये बोलो कि मैं रेगुलर नहीं जाता, बस ये कि कभी दिल किया तो चला गया, चलो अब जाते हो। फॉर एग्जांपल आप हाँ तो इट्स वन बिन सा मंथ अभी इट्स बिन अ चले फ्यू गए। इयर्स गो। इट्स वेरी लाइक आई डोंट केयर एज मच टू बी ऑनेस्ट। अच्छा देखो अभी सबसे पहले मैं, लास्ट में गया था अभी हैमिल्टन शिफ्ट होने के बाद, विच वाज अक्टूबर आई थिंक। हाँ अक्टूबर में गया था मैं, तो इट्स बिन व्हाट 6 months नाउ ऑलमोस्ट। हाँ 6 महीने हो गए हैं जब आपने जाते हो मुझे। 6 महीने में नहीं गए, उसको जाने दीजिए आप 6 महीने कहाँ से। आप, मतलब एक सेकंड, मैं वही, क्योंकि बहुत सी चलिए बातें होती हैं ना ये सच नहीं भी होती हैं, खजर खजर, तो ओके इसलिए। ओके ओके, लेट इट गो। हाँ नहीं छह लेट मी महीने से आप फिनिश। हाँ नहीं लेट मी नहीं गए, फिनिश। 6 महीने से आप जमात खाने नहीं गए, तो आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि आप नॉन प्रैक्टिसिंग इस्माइली हैं? अगर हाँ प्रीटी मच। आई एम वो अ नॉन, आई लाइक आई डोंट प्रैक्टिस रिलीजन एज मच टू बी ऑनेस्ट, लाइक थ्रू ओके आउट, चाहे शिया सुन्नी जो भी हो, आका खान के बारे में बट आपका, आका खान के बारे में एट आपका हार्ट आई एम क्या, स्टिल एन आखानी। ओके आका खान ही, आका खान के बारे में आपका क्या अकीदा है, वो क्या है आपके लिए? ही इज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। लीडर ऑफ द कम्युनिटी, उसके अलावा कुछ और बोल दीजिए, फिर मसला हो जाएगा। नहीं मतलब ही इज अ लीडर ऑफ द कम्युनिटी। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह मैसेजेस। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जिनको रसूल ने चुना था, ही हैज द सेम एसेंस इज दैट ऑफ हजरत अली अलैहिस्सलाम, और हजरत अली अलैहिस्सलाम को रसूल ने चुना था एज द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, एंड ही इज द लीडर ऑफ आवर कम्युनिटी टू। अच्छा उसके अलावा कोई आगा खान में कोई सुपर नेचुरल एबिलिटीज, कोई सुपर नेचुरल पावर्स, कुछ ऐसा आप बिलीव करते हो? नहीं नहीं बिलीव करते। आपको ये लगता है कि आप जब उनसे जब दुआ मांगते हैं, जो इस्माइली दुआ के अल्फाज होते हैं, जब आप बोलते हो, तो क्या वो सुनते हैं आपकी पुकार? नहीं तो फिर बुलाते क्यों है, पुकारते क्यों है फिर उनको? क्योंकि वो जो उनके अंदर जो जो रसूल के थ्रू जो अल्लाह का जो नूर है ना, आप उनसे दुआ मांग रहे हो। यू आर बेसिकली प्रेइंग टू गॉड, वो ये आपका एक वसीला है। जो इमाम है ही इज अ वसीला। वसीले के वसीलों का तो अल्फाज, कॉन्सेप्ट आप वसीलों में तो बिलीव करते हैं ना आप, बिल्कुल लाइक इस्लाम में वसीले बिलीव करते हैं ना वसीलों का, के अल्फाज आयतुल क्या कुर्सी में ना। होते हैं ये तो खिजर भाई, वसीले के अल्फाज क्या होते हैं, किस तरह वसीला मांगा जाता है? के ए अल्लाह मेरे इन वसीले के थ्रू मेरी ये दुआ कबूल कर दे, जो भी है, एंड दैट इज हाउ आई प्रे। मैं भी जब दुआ मांगता हूँ, एग्जैक्टली खिजर भाई, ए अल्लाह आप सो एंड सो अल्लाह के वली के तुफैल, उनके प्यार मोहब्बत के तुफैल, उनके सदके में हमें ये अता कर दें। पुकारा किसको जाता है? अल्लाह को, ठीक है ना? हाँ पुकारा किसको जाता है? अल्लाह को, किसी और को तो नहीं पुकारा जाता। आप जब इस्माइली दुआ में पढ़ते हैं, या इमाम जमा अंत कुवती व अंत सनदी व अलैक तिकाली, या हाजरुल मौजूद शाह करीम अल हुसैनी, इसका तर्जुमा है ए इमाम जमा मैं तो ही मेरी कुवत है, तो ही मेरा सहारा है, तुझी पर मेरा तवक्कल है, ए हाजिर ए मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। अब यहाँ पे आपने वसीला नहीं मांगा, आपने डायरेक्ट कहा या इमाम जमा, आपने अल्लाह नहीं बोला, यहाँ मैं वसीला क्यों है? आपको हाँ मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए यहाँ पर वो बिलीफ सिस्टम्स आ गया कि कुछ लोग जो हिंदुइज्म से डायरेक्ट कन्वर्ट हुए थे सिंध वाले एरिया में, ठीक नहीं, वो है, इंडिया में हुए थे, उनको। नहीं, सतपंथी, सतपंथी इंडिया वाले खोजे। हाँ, जो बेसिकली द होल द एरिया वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, राइट, एंड आई विल गेट टू दिस पॉइंट एज वेल, बट जस्ट टू गिव यू इस आंसर को मैं शॉर्ट करने के लिए, अगर आपको बताऊं, तो मैं जब मॉन्ट्रियल के जमात में जाता था, वहां पर मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज के लोग थे, अफगानी और इस टाइप के लोग थे।
तो वहां पर वो डायरेक्ट खुदा से दुआ मांगते, वहां पर वो या खुदावन करके दुआ मांगते थे। तो इट डिपेंड्स कि आप किस बैकग्राउंड के जमात खाने में जा रहे हो। मेरे भाई इस्माइली दुआ कहीं पर भी चले जाओ, सीरिया, अफगानिस्तान, बदख्शान, अपना नॉर्दर्न एरियाज, टोरंटो, आपकी इस्माइलिया एसोसिएशन की इस्माइली दुआ हर जगह सेम है। और ये जो अल्फाज मैंने पढ़े, ये आप अपने जमात खानों में जाके अपनी इस्माइली दुआ में पढ़ते हैं। तवस्सलुल इंदल मसाए बीबी मौलाको मुलशा करीम अल हुसैन, ये भी आपको आपकी इस्माइली दुआ का तर्जुमा बता रही हूँ, मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, तो ये भी तो आप नहीं डाल ही रिवर, पाए अभी हो। हम उसकी बात कर रहे थे ना, अभी हम उसकी बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि जो या मौलाना हाजिर हूँ करके दुआ मांगते हो, नहीं तो नहीं मैं नहीं उसका नहीं आपको जवाब दे रहा था। इस्माइली दुआ के नहीं, अल्फाज जब की आपने बात कहा ना कर रही कि थी, नहीं इस्माइली दुआ नहीं, की बात आपने कहा ना कर कि रही हूँ। जब नहीं, उससे पहले जब हम बात कर रहे थे, मैं उस चीज का जवाब दे रहा था। जब आपने कहा था कि या मौलाना हाजिर माम करके आप दुआ मांगते हो कि नहीं नहीं ये कर नहीं वो कर, जो वसीले जो, नहीं, एक मिनट एक मिनट, जब आप वसीले का सवाल कर रहे थे मुझसे, या वेन वी वर इमाम टॉकिंग अबाउट द वसीला जमान, थिंग, या इमाम जमान अंत कुवती वंत सनदी, ये दो इस्माइली दुआ के अल्फाज यार या हैं। तो आप खिजर बात कर लो या तो मैं बात करूं। भाई एक सेकंड, मैं खामोश हो जाती हूँ, सिर्फ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि मैंने किसी के अल्फाज की बात नहीं की, मैं इस्माइली दुआ की बात कर रही हूँ। जी बोलिए अब। उससे पहले जब हम, आपने मुझसे वसीले वाला सवाल किया था, जब हम वसीले की बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा था कि आयतुल कुर्सी में वसीले का लिखा है, और जब हम दुआ मांगते हैं तो किसके थ्रू या इमाम के थ्रू मांगते हैं। मैं उस चीज का आपको जवाब दे रहा था कि इट डिपेंड्स, क्योंकि मेरी वो बात कंप्लीट नहीं होती, आपने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, एंड दैट इज माय प्रॉब्लम विद द डिस्कशन। ऑल्दो आई वुड लव टू हैव दिस डिस्कशन विद यू, माय ओनली प्रॉब्लम इज कि आप टॉपिक से टॉपिक पे आप अपनी बात करें, आप आगे जंप कर लेती हैं, जैसे कोई तबलीगी इंसान होता है ना, तो वो बात करके जंप करते हैं, एंड दे डोंट लिसन टू द पर्सन्स एक्चुअल आपको एक्सप्लेनेशन। पर्सनल सो यू अटैक हैव टू करने बी की जरूरत विलिंग। नहीं है ना, एक सेकंड। नहीं, आप भले ये सारे पॉइंट निकालो, ये इररेलेवेंट टॉपिक है, आप टॉपिक पे वापस आ जाओ। वसीले की आपने बात नहीं, की, मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं, मैं माय आपको प्रॉब्लम डायरेक्टली इज कि बताऊं। यू नॉट लेटिंग मी फिनिश अलीना, तो यू हैव टू इधर लेट मी फिनिश, और या तो आप 1 घंटे की बात कर लें, फिर मैं 1 घंटे के नोट्स बनाऊं, और फिर मैं उन चीजों पे जवाब दूंगा। इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू कैरी ठीक दिस है, मैं अपनी कॉन्वर्सेशन। अपना पॉइंट रख लेती हूँ। मेरा पॉइंट यह है कि वसीले से आप दुआ नहीं मांगते, आप डायरेक्ट पुकारते हैं इमाम को। जी अब आप जवाब दे दीजिए। जी, तो मैं आपको इसका बता रहा था कि मैं जब दुआ मांगता हूं, तो मैं या अल्लाह करके, फिर मैं आगे इसके वसीले, मेरे इमाम के वसीले, मैं ऐसे करके दुआ मांगूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैं मॉन्ट्रियल के जमात कहीं जा रहा था ना, तो वहां पर मोस्टली अफगानी थे, या बदख्शान एरिया से, नॉर्दर्न एरिया से लोग थे वहां पर, तो वहां पर वो डायरेक्ट खुदा से मांगते, वो या खुदावन करके दुआ मांगते थे। तो इट रियली डिपेंड्स, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था कि इस्माइलिज्म 2 तरीकों से फैला था, एक जो इराक और वहां से पूरा, क्योंकि मैंने ये बुक बहुत एक बुक मैंने पढ़ी थी जो बहुत बहुत पहले पढ़ी थी, विच वाज लाइक इन 2017, जब शादी की बात शुरू शुरू में चली थी, तो तब मैंने एक बुक पढ़ी थी, एंड एट दैट टाइम आई कैरीड आउट सम मोर रिसर्च एज वेल, एंड आई फाउंड आउट के जो इस्माइलिज्म फैला था वो 2 तरीकों से फैला था, एक जो सिंध के थ्रू फैला था, और एक जो ऊपर ऊपर से इराक और यहाँ से पूरा घूम घूम के अफगानिस्तान और फिर बदख्शान और इस एरिया से आया था। तो जो हिंदुइज्म वाले जो लोग थे ना, मोस्टली जो सिंध और इस लोअर पाकिस्तान, लोअर इंडिया के साइड से जो लोग थे ना, वो हिंदुइज्म से जो डायरेक्ट उनको कन्वर्ट किया था, वो इजी करके उनके लिए, टू मेक इस्लाम इजियर फॉर देम, उन्होंने थोड़े हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट इसमें बीच में डाले थे, जो अवतार और ये सारी जो बातें थी ना, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट एजुकेटेड इन दिस मैटर, इसलिए वो अवतार और इन सारी चीजों में अभी भी हिंदुइज्म के उनके बहुत बिलीफ कोइंसाइड करते हैं। बट इफ यू लुक एट एक्चुअल इस्माइलिज्म, जो डायरेक्ट सऊदी अरेबिया, इराक इस साइड से, नजफ और यहाँ से पूरा पूरा जो घूम घूम के जो आया था ना, इफ यू लुक एट दैट इस्माइलिज्म, द कोर बिलीफ आर स्टिल द सेम, यू आर स्टिल फॉलोइंग द सेम इमाम, बट दे हैव अ लॉट मोर कोइंसाइडिंग बिलीफ्स देन दो एज सॉरी अ लॉट मोर कोइंसाइडिंग बिलीफ्स विद दोज ऑफ द सुन्नी। तो आई होप ये थोड़ा आपको थोड़ा क्लेरिफाई करेगा कि अगर मैं जो डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या बहुत से जो मॉन्ट्रियल में लोग जो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, वो क्यों मांगते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, द एक्चुअल इस्माइलिज्म जो फैला था, हिंदुइज्म वाला इस्माइलिज्म दैट इज डिफरेंट, लाइक इट इज इस्माइलिज्म, वी स्टिल फॉलो द सेम इमाम, बट लोग अभी तक एजुकेटेड नहीं है, वो अभी भी हिंदुइज्म वाले बिलीफ में ही बहुत सी चीजें बिलीव करते हैं। ये मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि हो गया जवाब कोर आपका। इज द सेम, हाँ लाइक कोर इज द सेम, बट लोग एजुकेटेड नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप कैसे मांगते हैं, इंडिया वाले कैसे मांगते हैं, नॉर्दर्न वाले। मैं तो इस्माइली दुआ की अभी तो बात आपने कहा था, यू जस्ट सेड दैट,
आपने या तो मांगना, आपने कहा ना कि आप जब दुआ मांगते हो तो या मांगना हाजिर क्यों करते हो, वसीले के थ्रू दुआ मांगनी चाहिए ये वो, तो मैं उसका आपको जवाब बता रहा था, आपने पूछा था तभी मैं आपको जवाब दिया ना उसका। मुझे जवाब कंप्लीट करने थे, फिर बोल लीजिएगा, ठीक है? हाँ बट आई एम सेइंग कि यू आपकी शुडंट रिफ्यूट कि मैंने ये पूछा नहीं आपसे, यू डिड आस्क मी आपकी दिस। आपकी इस्माइली दुआ जो आप जमात खाने में दिन में 3 दफा पढ़ते हैं, और आप जैसे कितने इस्माइली रोज नहीं करते हैं, ये दुआ आप खुद चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जब ये जुमला आता है, या इमाम जमा अंत कुवती व अंत सनदी, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता, मैं यहाँ पर या अल्लाह बोलता हूँ, ये नहीं होता। इस्माइली दुआ सबकी सेम ही है। उसमें आप लोग जो है वो अपने इमाम को डायरेक्ट पुकारते हैं, अपनी इस्माइली दुआ के चौथे पार्ट में, ये आपकी दुआ है या इमाम जमा, और उसके पहले जो है वो तवस्सुल इंदल मसाइबी बी मौलाकुमुल शाह करीम अल हुसैनी, अब ये बोलते हो। अब ये दोनों वर्ड्स जो है वो आपकी इस्माइली दुआ के अंदर मौजूद है। अब आप चाहे मुझे कहते रहो कि मैं अल्लाह को पुकारता हूँ, मैं अल्लाह को पुकारता हूँ, लेकिन आप अपनी इस्माइली दुआ में अपने इमाम को डायरेक्ट पुकारते हो, जैसे अल्लाह को पुकारा जाता है, जैसे हम अल्लाह को कहते हैं या अल्लाह आप हमारी कुवत हैं, आप हमारा सहारा है, या हम कहते हैं या हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कल, तो हम अल्लाह को पुकारते हैं। तो आप जो है वो या इमाम जमा या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी करके पुकारते हैं, यानी या का लफ्ज होता है डायरेक्ट पुकारना, ए मेरे इमाम जमा, ए मेरे मौलाना, ए मेरे करीम आगा खान। तो जब आप ए करके पुकारते हैं तो क्या वो आपकी दुआ सुनते हैं? तो इसमें वसीला नहीं है। ओके बोलिए। ओके नहीं या ओके आप जब या मजान अंतकुवती वंद सनादी वाली कतकल या हाजिर या मौजूद या शाख सनी अंत इमाम हकुल मुबीन, ठीक है, सिर्फ सज्दा करना है अल्लाह को, राइट। आपने या इमाम जमान तो बोल दिया, उसके आगे क्या लिखा, पूरी ट्रांसलेशन पढ़ें जरा, एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। ठीक है, पांचों पार्ट की ट्रांसलेशन खोलें। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे याद है मेरे भाई। अल्लाहुम्मा लका सजूदी व अतात ही पढ़ते हैं, ए अल्लाह मेरा सजदा और अतात आपके लिए, ठीक है? नहीं इससे नहीं उससे पहले पहले नहीं, या इमाम जमान के बाद आप ट्रांसलेशन बताएं मुझे। आपको इसका तर्जुमा चाहिए? या इमाम जमा, ए हाँ मेरे या ए इमाम जमा, तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरा सहारा है, तुझी पर मेरा तवक्कल है, ए हाजिर ए मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। हाँ नहीं, अंत नहीं, यू मिस्ड आउट वन पार्ट। अंत इमाम हकुल मुबीन का क्या मतलब है? तू ही बरहक इमाम है, इमाम मुबीन है, तू ही बरहक इमाम मुबीन है। हाँ तो इसमें अल्लाह इसमें आपने इमाम से दुआ कब मांगी कि या मदद तुम्हारा ये कर दे, या मदद तुम्हारा वो कर दे? तो पुकार क्यों रहे? पुकार आप किस चीज बिकॉज के लिए? योर नहीं, आप पुकार रहे पुकार हैं किस बट चीज आप के लिए? पुकार के कह रहे हो कि तू देखो मेरा इमाम है, राइट। बात सुने, बात सुने मेरे भाई, ये जो है ना, नहीं, ये गेम गेम नहीं खेलो, क्योंकि मैं डेली डेली ये सारी बातें हो चुकी होती हैं। अगर आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे तो आप उनको पुकार क्यों रहे हो? पुकारा अल्लाह को भी जब यू आर जस्ट टेलिंग पुकारा हिम कि तू मेरा जाता है, लिसन, अल्लाह को जब पुकारते हैं तो आप अपनी हाजत हाँ रखते हैं ना। अब आप इमाम को जो है वो बोल रहे हो कि तू ही मेरी कुवत है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही इमाम बरहक है, और तुझी पर मेरा तवक्कल है, ए हाजिर ए मौजूद शाह करीम अल हुसैनी। अब इसमें अल्लाह नहीं है। पहला मेरा पहला पॉइंट ये था कि इसमें वसीला नहीं है। जब वसीला नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट पुकार रहे हैं। डायरेक्ट पुकारते सिर्फ अल्लाह की जात को है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है और वो आपकी पुकार सुन सकता है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी पुकार को सुन सके। जब वो आपकी पुकार सुन नहीं सकता तो आप उसको पुकार क्यों रहे हैं? पहली पहली बात। और इसी पर कुरान की आयत है कि जिनको तुम पुकारते हो, मुशरिकों को कहा गया कि जिनको तुम पुकारते हो वो कयामत तक तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। तो तुम अपने इन खुद के माबूदानों को जो है वो कयामत वाले रोज अपना कारसाज नहीं पाओगे, ये कुरान की आयत है। तो जब आपका इमाम आपकी पुकार सुन नहीं सकता तो पुकारते क्यों? हाजत रखना ना रखना वो बात की बात है ना। और मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने एंड में तो ये कहा ना कि आपने जो आपने पुकारा, पुकार के आपने क्या कर दिया, तुम्हारे इमाम है, राइट। हाँ या नहीं? अंतल इमाम हकुल मुबीन की बात कर रहे हैं हाँ यप, या इमाम जमान के बाद जो इसमें, आपने जो एंड में आपने क्या कहा, या आप एक टेस्टिमनी दे रहे हो कि आप ही इमामे बरहक हो, या आपने टेस्टिमनी दे दी। चलो अब और आपने क्या? यहाँ पर हाँ उससे पहले आपने उसे वसीला बना दिया, अपना वसीला बना के आपने कहा कि भाई तू तू अब जाहिर इमाम है, तो यही आपने तो कोई मेरा, सजदा तो नहीं किया उनको, तो मेरे इसमें गलत भाई क्या?
तो मेरा सवाल तो आपसे फिर यही है ना कि या तो आप उसको बशर बोलो या फिर आप उसको इस तरह पुकारो जिस तरह अल्लाह को पुकारा जाता है। आप लोगों की दुआ ही इतनी कॉन्ट्रडिक्टिंग है कि एक तरफ आप अल्लाह से कहते हो कि ए अल्लाह आप ही हमारी इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, कि ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आपने इमाम को जो है वो बरहक मुबीन कहते हैं जबकि अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि कुरान जो है वो बरहक है और मुबीन है, हिदायत वाली किताब है। अल्लाह कहता है मुझे अकेले को पुकारो। मेरे ख्याल से खजर भाई माइंड नहीं करना, शिर्क की डेफिनेशन आपको नहीं पता, शिर्क का मतलब भी नहीं पता आपको, तभी आप इतनी नहीं, आपने कहा अद्भुत। कि हम 49 इमाम को या अगर पुकारते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप छठे पार्ट को याद करो, यू नेवर से या दिस या दैट, मौलाना अली मौलाना हुसैन, यू नॉट से या, मैं आप कह रहे हैं आपको मौलाना ये मौलाना वो मौलाना वो, अच्छा यू वी नेवर, हमने या मैं करके तो अभी नहीं पुकारते ये इमाम भी को। भेज देती हूँ, ये भी भेज देती हूँ मेरे भाई, ये भी भेज देती हूँ। हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू लेकिन सी दिस, क्योंकि आप पता नहीं नहीं कौन सी दुआ लेकिन की बात कर रही हैं, बट बिल्कुल बात बात देखो ना, पहले जो फंडामेंटल बिलीव्स पे आपने एक बात की थी ना कि आप इमाम को जो है वो हजरत अली का नूर मानते हो, उनका अपॉइंटेड खलीफा मानते हो। आप मुझे ये बताओ कि इस्लाम का जो कोर बिलीफ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, अगर अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, उसका कोई हमशर नहीं है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, तो आपकी हर चीज में इमाम क्यों है, मुझे ये बताइए। आप अगर मेरी बात का जवाब दें, या मौलाना हम या करके तो 49 इमाम को तो नहीं पुकारते, ये आपने कहाँ पढ़ा है, मुझे जरा बताएं। या इमाम जमा नहीं बोलते, या इमाम जमा या मौलाना। अब ये या इमाम जमा और या मौलाना क्या है मुझे बताइए। उसके बाद आप ये क्यों बोलते हैं तवस्सुल इंदल मसाइबी बी मौलाकुमुल शाह करीम अल हुसैनी, ठीक है। उसके बाद ओके, आप अब मैं वही कह रहा हूँ, आप टॉपिक से टॉपिक पे जंप करें, पहले वो छठे पार्ट वाले को हल कर दें, पहले उस टॉपिक को खत्म करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं ना। आप मौलाना या करके 49 इमाम को तो नहीं पुकारते हम। तो अच्छा तो शाह करीम अल हुसैनी 49 इमाम नहीं है क्या आपका? नहीं, आपने कहा ना कि आप छठे पार्ट में 49 इमाम को या करके पुकारते हो, नहीं या दिस या सुने, ये। आपकी पूरी दुआ में आगा खान को, करीम आगा खान को या मौलाना या इमाम जमा या इमाम जमान या हाजिर इमाम या इमाम अल असर जमान, ये क्या बोल रहे हैं आप? सी फोर्टी अलीना, नाइन इमाम नहीं है आपके ये करीम आगा अलीना, यू आर खान? नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। आपने कहा था कि हम छठे इमाम में सब इमामों को पुकारते हैं, वर दीज और वर दीज नॉट द वर्ड्स यू यूज्ड, अच्छा तुमने वॉज दिस और वॉज दिस नॉट व्हाट यू सेड अलीना। लिसन लिसन मेरी बात सुनिए, अगर आपके इमाम को आप या करके नहीं पुकारते तो मैं क्या ये खुद से जुमला बोल रही हूँ? या इमाम अलीना, आखिर जमान या इमाम जमान या मौलाना अंता कुवती, ये या करके मैं खुद बोल रही हूँ? आपकी आपकी इस्माइली दुआ में नहीं है मुझे वॉज बताओ। इट सो वर यू टॉकिंग अबाउट, आपने कहा था कि हम हर 49 जो सारे इमामों हैं, हम सारे अरे इमामों को हम जाया करके इधर पुकारते हैं। इधर मैं एक उसकी बात बात कर पे, रहा हूँ। एक बात पर पकड़ो मत, अगर तुम्हें समझने में गलती हुई है या मेरे समझाने में गलती हुई है, लेकिन अब अगर मैं जो पॉइंट आपको बोल रही हूँ उस पर कि टाइम हमें बर्बाद नहीं करना, हमें इसमें से कुछ निकालना है, ना मुझे तुम्हें कुछ हरा के मिलना है, ना तुम्हें कुछ मुझे मुझे ये प्रूव करके कि अलीना गलत पॉइंट रीज कर रही है, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि ये जो हमारा इस दुनिया में जो भी हो रही है ना डिस्कशन, ये आखिरत में हमारे लिए काम आने वाली है। या तो तुम सीख जाओगे, एग्जैक्टली ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, एक सेकेंड क्या नहीं, या तो मैं देखो, सीखूँ या तो आप सीखेंगी, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि द वर्ड्स यू यूज्ड, आपने जो वर्ड्स यूज किए थे, आपने कहा था कि जो 49 इमामों को एक एक करके पुकारते हैं अच्छा या करके, मैं तो मैं बताती उसकी हूँ, बात कर रहा हूँ तुम्हारी कि तुम्हारी जो हाँ इस्माइली की शाम की तस्बीह होती है गिरी और जारी की, तस्बी कटो गिरिया जारी जी या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजर इमां, तू कुल जमात के मुश्किल आसान कर या अली तू रहम कर या मौला तू फजल कर या अली या अली या अली। मुझे बताओ इसमें अल्लाह नहीं आ रहा? अब देखो अली उल्ला तस्बी विनती जी तू हाजर इमाम कबूल कर नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी, तस्बी भी अपने इमाम की नाम की निकाल रहे हो और कह भी रहे हो कि नूर मौलाना तू कबूल कर, इसमें अल्लाह किधर है खिजर? या अली या ओके, मोहम्मद, अल्लाह अभी नहीं हम है तस्वीर की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द दुआ राइट नाउ, जो जी। छठे लेकिन पार्ट तुमने की याद मेरी बात हो, की बात की ना, लेट्स कंप्लीट लिसन दैट लिसन टॉपिक। लिसन, तस्बी इज द पार्ट ऑफ दुआ, रीजन बता देती हूँ। विदाउट दुआ, दुआ जब पढ़ी जाती है तो तस्बी नहीं निकले ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर तुम सेपरेट भी करो
मैंने दुआ से भी साबित किया कि आप या करके पुकारते हो, आप अपनी तस्बीह में भी या इमाम या अली या नूर मौलाना बोलते हो, आप लोगों की हर चीज में, इसमें वसीला कहीं पर भी नहीं है। ये मैं शाम की तस्बीह बता रही हूँ, ऐसी ही तस्बीह सुबह की है, ऐसी तस्बीह शाम की भी है, दो तस्बीह आप निकालते हो, सतारे आप निकालते हो, क्या उसमें आप नूर मौलाना को बुलाते नहीं हो? बंदगी में आप इमाम को नहीं पुकारते, बंदगी करके जो अंधेरा करके कमरे में बैठते हो, बंदगी की बोल नहीं पढ़ते, बोल में क्या पढ़ते हो बैठ के? अल आला पढ़ रहे होते हो, वो किसने दिया होता है? तो मेरी आप बात नहीं सारे पॉइंट्स मानते? आपने जो इकट्ठे किए हुए हैं, आप जरा वो कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको नहीं, बताता हूँ अब कि मैं पॉइंट्स नहीं आ मैं रही, मेरा हमारा एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी मैं ना, दैट्स कंप्लीट द कर थिंग आई एम देती हूँ, ट्राइंग टू गो मैं बैक टू। कंप्लीट कर देती हूँ। मेरा टॉपिक अभी भी वही है, अल्लाह के साथ किसी और को पुकारा जाए तो वो शिर्क होता है, और मैं साबित किया कि आपकी इस्माइली दुआ में भी आप इमाम को डायरेक्ट पुकारते हैं जिस तरह अल्लाह को आपने साबित पुकारा नहीं जाता किया, है। आपने यू हैव ऑल द रॉन्ग फैक्ट्स। आपने जब बात मैं की कि हम छठे पार्ट में स्कैन 49, एक मिनट योर वर्ड्स भेज वर, देती हूँ, लिसन, मैं स्कैन भेज देती हूँ और हाँ तर्जुमे के साथ भेज देती हूँ आपको, आप खुद ही देख लेगी कि इसमें या करके कहाँ पर इमाम को पुकारा जा रहा है, दुरूद नहीं में नहीं भी इमाम को योर पुकारा। वर्ड्स वर एंड आई वांट टू मेक श्योर, बिकॉज द पॉइंट इज के इट सीम्स लाइक जो लोग पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं एंड दे ओनली, जैसे आपको आपने ये बात की नहीं थी कि पांचवे पार्ट में जब या इमाम जमान करके व्हेन यू स्टार्ट द फिफ्थ पार्ट यू जस्ट सेड या इमाम जमान एंड यू स्टॉप देयर। आपने ये बात नहीं की कि या इमाम जमान के बाद हम क्या बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि अंतर इमाम जाकुल मुबीन कहते हैं। एक मिनट, लेट मी फिनिश, आई लेट यू फिनिश, आई लेट मी फिनिश। वैसे देखो, इसमें ना थोड़ा सा बचकाना तुम्हारा लग रहा है कि तुम एक बात को पकड़ के अब वो चीज इतना बिकॉज यू आर पीटोगे। नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन देखो अलीना, हम अलीना यू आर अवॉइडिंग द शिर्क, क्वेश्चन। नहीं, मैं शिर्क, देखो क्वेश्चन में कोई अवॉइड नहीं कर रही, अलीना यू मैं नो यू आर आपको रॉन्ग, दैट्स व्हाई ओके यू आर ब्रिंगिंग अप डिफरेंट थिंग्स बिकॉज यू नो ओके यू आर रॉन्ग हियर। लिसन, एक काम करते हैं, हम दोबारा से चलते हैं, मुझे आप बताओ शिर्क क्या होता है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, आप बताओ शिर्क क्या आई एम होता नॉट स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक अलीना, आई एम सॉरी, आई एम है। नॉट नहीं, गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू दिस इज टॉपिक जब तक आप कनेक्टिंग, पुराना टॉपिक खत्म नहीं करोगी। कनेक्टिंग है यू ना, नो यू आर रॉन्ग। मैं अभी भी उसी टॉपिक पर हूँ कि इमाम को आप डायरेक्ट पुकारते हैं और शिर्क क्या, तो अब आप शिर्क शायद समझते नहीं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस चीज को समझने के लिए आप मुझे अंडरस्टैंड और करवाओ कि पीछे शिर्क, बात, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं है कि हम हर इमाम को याद अगर अब पुकारते हैं, वो सो भी हमने हर को एस्टेब्लिश छोड़ कर दो, लिया ये है। ओके हर को छोड़ ओके दो, एक को तो पुकारते हो ना, इस पर आ जाओ, एक को तो पुकारते हो, हाँ ओके सही है। ठीक है, अब वो हर हर को तो छोड़ दो, एक को बता दो जो आपने, जिसको अभी पुकारते हो उसका बताओ, वसीले से पुकारते हो या डायरेक्ट पुकारते हो? वसीले करे पुकारते हैं, वसीले से, वसीले के अल्फाज क्या होने चाहिए जब आप आपने इमाम से दुआ मांगते हैं तो? भाई मेरे जो लीडर हैं, जो इमाम हैं, मैं उनके थ्रू अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ। क्या, मैं तो इस तरीके से, कैसे कैसे मतलब दिस मांग इज रहे हाउ हैं आई डू इट। दुआ, कैसे मांग रहे हैं बताइए ना, इस्माइली दुआ के अल्फाज अभी आपने पढ़े थे, बताइए। हाँ, जैसे इस्माइल दुआ में ये होता है कि अगर या मजमान या मजमान तक हुआती वान तक, मतलब तुझ पे मेरा भरोसा है, या मजमान या मजमान तक हुआती कुवत भरोसा वान तक सनदी सनद का मैं भूल गया क्या होता है, या मजमान या मजमान तक हुआती वान तक या सनदी वाली इमाम जमान का इत्तिकादी, मतलब तो पता है ना, और तो उस पर मेरा एतमाद है या इमाम अली जमान का का मतलब नहीं तकादी, बताया, या इमाम जमान का मतलब मैं नहीं बताया, बताया नहीं बताया, हाँ या मजमान ए मौला या ए जमाने के नहीं, इमाम। हाँ ए इमाम जमान, हाँ ठीक है ना, ए इमाम जमान, अब आपने ए करके पुकार लिया, उसने सुना आपकी? मतलब मैं तो दुआ तो उसके थ्रू मांग रहा हूँ ना। थ्रू के लिए जुमले क्या होने चाहिए मेरे भाई? थ्रू के लिए होने चाहिए, या तो ये होना चाहिए कि ए अल्लाह इस इमाम की वजह से या इस इमाम के तुफैल हमारी दुआ कबूल कर ले, एक ये तरीका होता है, या एक तरीका होता है कि जब सामने बैठा हो तो इमाम से बोले, ए इमाम आप अपने हाथों से हमारे लिए दुआ कर दे अल्लाह के हुजूर कि हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, फिर वो इमाम दुआ करता है और वो अल्लाह के पास जाती है। यहाँ तो ऐसा कुछ दोनों सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे तो आप गैब में पुकार रहे हैं, गैब मतलब ये कि वो खुद प्रेजेंट नहीं है, आप उसके सामने नहीं हो, लेकिन आप उसको पुकार रहे हो जिस तरह अल्लाह को पुकारा जाता है गैब में। ओके तो अच्छा, पुराने जमाने में अगर सपोज इस्लाम तो सऊदी अरब में स्टार्ट हुआ, राइट, अब किसने सपोज बोला, अगर कोई इराक में, किसने हाँ बोला, सऊदी अरब में स्टार्ट हुआ किसने ना, जब 571 जब रसूल सल्लम जो आखिरी नबी जो थे, नहीं मेरे भाई, जब आखिरी नबी करते हैं वसीले से मांगता हूँ, वसीले का आप अल्फाज नहीं बता रहे, आप पहुंच गए पुराने जमाने में,
आप अभी की बात मैं करो, उसका पहले आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं उसका बोलो जवाब बोलो। दे रहा हूँ आपको। अगर नहीं, अगर इराक में कोई मुसलमान था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीना में थे, जिसे दुआ मांगनी थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मांगनी थी, तो कैसे दुआ मांगे आप बताओ मुझे। तो रसूल अल्लाह के पास आकर दुआ मांगते थे ना लोग उस वक्त। और मैं आपको नहीं, एक बात, अगर आपको पता है हजरत उमर रजी अल्लाह जो है वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह के पास आए, और यह हदीस आपको हर जगह मिल जाएगी, इवन जो है आपकी भी वेबसाइट पे पड़ी है कि हजरत उमर, और वसीले के उसमें दी है, मतलब वसीला जायज है उसके, उन्होंने दिए सबूत में दिए, लेकिन उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। उसमें हजरत उमर के अल्फाज हैं कि हजरत अब्बास के पास आकर कहने लगे कि या अब्बास, हमारे हमारे रसूल जब हमारे बीच मौजूद हुआ करते थे तो हम उनके थ्रू अल्लाह से दुआ करते थे कि आप बारिश बरसा दें, तो अब हमारे बीच हमारे नबी मौजूद नहीं है, तो या अब्बास आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ करें, और फिर बारिश बरस गई। ये इस तरह की हदीस मौजूद है, यानी नबी जब मौजूद थे तो उनसे कह कर दुआ करवाई जाती थी, नबी सुनते थे और वो दुआ करते थे और बारिश बरस जाती थी। अब नबी मौजूद नहीं है तो अब अगला जो नेक बंदा है, जो उनके करीब है, जो उनके अहले बैत का है, उनके पास जाके उनसे कहा कि अब नबी मौजूद नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करें। लेकिन जाकर कहा ना मेरे भाई, कोई अपने घर से तो बैठ के ये नहीं कह रहा था कि या अब्बास या ईमेल क्या था? मेरे भाई, ईमेल किसने किया? किस्सा के मजाक तो नहीं हो ना, हदीस है ना। मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली अगर उस मौजूद नहीं है तो बस आप उनके थ्रू मांगोगे। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं मांगता हूँ, मैं कैसे मांगता हूँ, आपको शायद ये मैटर करेगा कि मैं कैसा करता हूँ। राइट, मैं तुम खजर भाई, आप कोई इमाम तो नहीं हो ना? आपके इमाम ने जिस तरीके से आपको इस्माइली दुआ दी है, आप उसको खुद तो बदल नहीं सकते। अब आपके इमाम ने आपको ये इस्माइली दुआ दी है, आपको इसी तरीके से पढ़नी है। आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो, इसका इसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह अलीना अगर कोई नहीं, समझाती है, मैंने बात नॉट ट्रू। इस्लाम हर सुन इंसान का लीजिए, अपना अपना है, सो यू इंटरप्रेट, दैट इज व्हाट दैट मैटर। इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कि हर किसी का अपना अपना इस्लाम है। तो मेरे भाई, फिर कादियानियों ने क्या कसूर किया, उनको क्यों काफिर डिक्लेयर किया गया? हाँ, बहाइयों को, वो भी तो खुद को मुसलमान कहते हैं, बहाइयों को क्यों नॉन मुस्लिम करार दिया गया? ठीक है, तो इस तरह का हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, तो मुझे बताइए फिर इस्लाम के तो हर कोई अपनी अपनी मस्जिद बनाकर खड़ा हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से करना है, फिर तो इस्लाम की तो शक्ल ही बिगड़ गई ना। अब आप नहीं, इस्लाम अगर किसी ने हमारा आखिरी अपना इमाम की जगह भी नहीं हुंजाई, जैसे वो हुंजाइयों ने है। मीनिंग चेंज कर दी कि भाई वो कोई और बंदा कह रहा था कि ये इमाम नहीं है, मैं इमाम हूँ, ठीक है, हुंजाई ने ये बात शुरू कर दी, दैट इज वाई देवर आउटकास्ट फ्रॉम इस्माइलिज्म, नहीं उनको नहीं अलग कर दिया। वो ऐसा नहीं था, अगर अहमदी जो वो थे, ऐसा नहीं था। नसीरुद्दीन हुंजाई जो था वो खाना हिकमत का, आपके इमाम का सबसे बेहतरीन रूहानी फर्जंद, आपके इमाम ने उसको लेटर लिखा था। उस इमाम ने, जिसको आप कहते हैं कि ये अकले कुल है, ये नॉलेज ऑफ अनसीन इसके पास है, वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, जिससे आप दिन रात दुआएं करते हैं, उसने इस आदमी को लेटर लिख के भेजा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन रूहानी फर्जंद हो और तुम्हारी काविशों से मैं खुश हूँ और मैं तुम्हारे लिए खास बरकात भेजता हूँ। आज भी उसके नासिरुद्दीन हुंजाई की बुक में वो लेटर आगा खान की साइन के साथ लगा हुआ है। वो इंसान रात को उठा, उसने कहा कि मैं इमाम की हुज्जत हूँ, इमाम ने बोला था, अली खान की हुज्जत हूँ। अब बताइए, अब वो उसने कहा, वो कल्ट अलग बन गया, आपके इमाम को पता नहीं चला। अच्छा, इमाम उसको जो है वो खत लिख के प्रेजेस भी कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। इस्माइलियों का अकीदा है कि उनका इमाम फिर जब इमाम, उनकी फिर क्या ये बताएं कि इमाम को जब पता चला कि ये सब हो रहा है, हुँ. और वो अपने तरफ से लोगों को, क्योंकि अ लॉट ऑफ हिज थिंग्स, जैसे वो लड़कियों के सरों पे, लड़कियों के बालों पे पांव रख के चलना, और वो ऊपर से करके चलता चल के जाता था औरतों के पांव के ऊपर से, ही वाज स्टार्टिंग हिज ओन प्रैक्टिसेस दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इमाम को पता चला, तो इमाम ने अलग कर दिया उसे, सेकंड, नहीं तो एक हो रही है। सेकंड, एक सेकंड, अगर औरतों के पैर चूमना और उनको गले लगाना गुनाह है, या आप मानते हो ना गुनाह है, तो फिर आपके इमाम क्यों गले लगाते हैं औरतों को, उनके साथ डांस क्यों कर रहे इमाम होते हैं? कब, किसको, इमाम कब डांस करता है? अच्छा, मैं भेज दूं तो वीडियो पिक्चर सब हाँ, भेज भेज दें दूं? चलो भेज देती हूँ, भेज दें, आई एम आई श्योर देयर इज थिंक। एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट।